पांचवा प्रश्न, इसमें एक पार्ट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट हो, तो जाहिर सी बात है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, हम आराम से इसको टी मान सकते हैं। पहले तो आई लिख लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका भी करना पड़ता है चैन रूल से, तो इसका ए आएगा और एक्स का वन इसका जीरो, तो ए और आएगा साथ में, और साथ में डी एक्स लगाएंगे और इधर डी टी कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसका इधर भाग लगा देंगे, यानी दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी वाई ए, अतः I बराबर होगा एक बटे दो एक बटे ए, एक बटे ए इसको हमने पहले ही लिख लिया है, इसलिए T रखना है और ये सब DT में आ जाएगा, तो T और DT। डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन करना है एक बटे ए टी स्क्वायर बटे टू और प्लस सी, मान रखेंगे वापस हम टी का, तो साइन स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ले आते हैं साइन स्क्वायर टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया है।